हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और बोर्ड एग्जाम के अंदर 12 से 15 मार्क्स के कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इसके अलावा 3 से 4 नंबर के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कुछ डायग्राम और प्लॉट्स पर बेस्ड है। इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और प्लॉट्स को डिस्कस करेंगे जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के हिसाब से और जी मेन्स और नीट एग्जाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो के अंदर 3 चैप्टर को मैंने लिया है। पहला आपके पास सॉलिड स्टेट, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले आता है आपके पास सॉलिड स्टेट, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ। ये रिलेशनशिप डिपेंड करता है कि लेटिस टाइप कौन सा है। यदि सिंपल क्यूबिक है तो आर इज इक्वल टू ए बाई टू, फेस सेंटर्ड क्यूबिक आर इज इक्वल टू रूट टू ए बाई फोर और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए बाई टू रूट टू। फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक आर इज इक्वल टू रूट थ्री ए बाई फोर। Density of unit cell D is equal to Z into M divided by A cube Na। यहाँ पर D density of unit cell जो कि substance की भी density होती है in gram per centimeter cube। M is the molar mass in gram per mole। A is the edge length in centimeter। यहाँ पर N या Na, okay? This is Avogadro constant 6.022 into 10 to the power 23 per mole। Z is the number of particles per unit cell। और simple cubic के लिए Z की value 1, BCC के लिए Z की वैल्यू 2, FCC के लिए Z की वैल्यू 4। चैप्टर 2 सॉल्यूशंस। मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। या आप ये भी सकते हैं, मोलरिटी इज इक्वल टू W इनटू 1000 डिवाइड बाय M इनटू VML। यहां पर ये मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ये कैपिटल M मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर मोल और ये रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। If density and mass percentage यदि आपको दिया है तो ये वाला फॉर्मूला हम काम में लेंगे। Molarity is equal to d into mass percent into 10 divided by capital M। Molality जिसको कि हम small m से भी represent करते हैं, moles of solute divided by mass of solvent in kilogram। और molality is equal to w into 1000 divided by capital M into wg। यहाँ पर ये स्मॉल डब्ल्यू मास ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है ग्राम के अंदर, कैपिटल एम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर मोल और ये कैपिटल डब्ल्यू के साथ में जो जी लिखा हुआ है रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। पार्ट्स पर मिलियन PPM, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10^6। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। यदि हम किसी बाइनरी मिक्सचर को कंसीडर करते हैं जिसमें दो कंपोनेंट हमारे पास ए एंड बी और इनके नंबर ऑफ मोल्स हमारे एन ए एंड एन बी आ रहा है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैन बी रिटन एक्स ए इज इक्वल टू एन ए डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। इसी तरह से बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आप लिख सकते हैं एक्स बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। In a given solution, sum of all the mole fraction is unity. You can also write like this. जितने भी components आ रहे हैं, उन सब के mole fraction का sum एक के बराबर होगा। Henry's law, P is equal to KHx. यहाँ पर P partial pressure of the gas, x is the mole fraction of the gas in the solution, KH is the Henry's law constant. यदि आप P और X के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरह की स्ट्रेट लाइन आएगी और स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो हेनरीज लॉ कांस्टेंट के बराबर होगा। राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, यदि हम उस सॉल्यूशन को कंसीडर करते हैं इसमें दो कंपोनेंट है तो फॉर कंपोनेंट वन दिस इज पी वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वन और आप ये भी लिख सकते हैं पी वन इज इक्वल टू पी नॉट वन एक्स वन। यहाँ पर ये पी वन आ रहा है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट वन, एक्स वन आपके पास आ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वन और दिस इज पी नॉट वन, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट वन। इसी तरह से कंपोनेंट टू के लिए पी टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू एंड पी टू इज इक्वल टू पी नॉट टू एक्स टू। यहाँ पर ये पी टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट टू, एक्स टू इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट टू एंड दिस इज पी नॉट टू इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट टू। और डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर वाला फॉर्मूला यदि आप लगाते हैं तो पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट वन एक्स वन प्लस पी नॉट टू एक्स टू। अब यहाँ पर ये वाला देखिए, यदि हमारे पास सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है तो वी विल गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ। अच्छे से देखिए, कभी कभी सीधा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है
इस तरह का डायग्राम, इधर वेपर प्रेशर आ रहा है, इधर आपके पास आ रहा है मोल फ्रैक्शन। ये यदि सिर्फ कंपोनेंट वन प्रेजेंट है तो ये वेपर प्रेशर ऑफ योर कंपोनेंट वन। ओके, इधर से इधर जाने पर मोल फ्रैक्शन, कंपोनेंट वन का मोल फ्रैक्शन तो कम हो रहा है लेकिन कंपोनेंट टू का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। ओके, तो ये ध्यान रखिए, ये इधर ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है। यदि दोनों के बीच का कोई कंपोजिशन हो तो इस स्ट्रेट लाइन से आप इसका पी टोटल निकाल सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज ऑफ सॉल्यूशन, इफ y1 एंड y2 आर द मोल फ्रैक्शंस ऑफ द कंपोनेंट्स 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली इन वेपर फेज, देन यूजिंग डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर वी कैन राइट P1 is equal to Y1 P total. So Y1 is equal to P1 divided by P total. The same way P2 is equal to Y2 total. So Y2 is equal to P2 divided by P total. अब यदि हमारे पास ड्राउल्स लॉ से डिविएशन आ रहा है तो दो तरह का डिविएशन होता है, पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन, और दोनों के लिए डायग्राम भी आपको अच्छे से बनाना ही नहीं है, समझना भी है। वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन, ध्यान रखिए जो ग्रीन लाइन के अंदर डोटेड लाइन जो शो हो रही है ग्रीन कलर के अंदर, वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए, और ये ऊपर वाला जो पार्ट आपके पास रहा ब्लू कलर में दिखा रखा है, ये पॉजिटिव डिविएशन को शो करता है। तो टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा और ईच कंपोनेंट का वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा यदि पॉजिटिव डिविएशन है तो, ठीक है। और यदि नेगेटिव डिविएशन तो क्या है, नेगेटिव डिविएशन के अंदर ईच कंपोनेंट का वेपर प्रेशर भी कम हो रहा है और सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर भी कम हो रहा है, तो ये नीचे वाली लाइन नेगेटिव डिविजन को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, रिलेटिव लोगनिक वेपर प्रेशर हमने पढ़ा है, यदि किसी भी लिक्विड के अंदर आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ओके, तो ये आपके पास पी नोट वन माइनस पी वन डिवाइड बाई पी नोट वन, ये आपके पास आ रहा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये आपके पास आ रहा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो इसकी वैल्यू हमेशा इससे कम होगी। सो इसका डिफरेंस आप लिख रहे हैं डेल्टा पी वन डिवाइड बाई पी नोट वन, ये वाला रेशियो कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विच इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, एक्स टू, और x2 को यदि आप मोल्स के रेफरेंस में लिखते हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं, तो n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। यदि डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो n2 की वैल्यू n1 के कंपैरिजन में बहुत कम होगी, सो आप डिनोमिनेटर के अंदर n2 को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा p नोट 1 माइनस p1 डिवाइड बाय p नोट 1, दिस इज इक्वल टू n2 बाय n1, और n1 और n2 की वैल्यू यदि आप रखते हैं तो विल गेट दिस वन। यहां पर ध्यान रखिए जो सबस्क्रिप्ट के अंदर वन आ रहा है वो सॉल्वेंट के लिए आ रहा है और जो टू आ रहा है वो सॉल्यूट के लिए आ रहा है, तो W1 एंड W2 आर द मासेज एंड M1 एंड M2 आर द मोलर मासेज ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट रेस्पेक्टिवली। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, पहले डायग्राम को देखिए, ये वेपर प्रेशर, ये टेम्परेचर, और ये आपके पास बता रहा है वेपर प्रेशर दैट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर को 180 atm के बराबर। किसी भी लिक्विड को दिया बॉईल करते हैं, बॉईल करना चाहते हैं, तो उसका वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाएगा। ओके, तो यहां पर ये सॉल्वेंट के लिए पहले आ रहा है, टेम्परेचर जब आप बढ़ा रहे हैं वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, जब वेपर प्रेशर 180 atm के बराबर आ गया तो आप कह सकते हैं ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और जब ये सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन बन गया, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से प्योर सॉल्वेंट से हमेशा कम होगा। ओके, अब इसको यदि आपको बॉइल करना है तो डेफिनेटली इस लाइन को देखिए आप कहां जा करके ये 180 atm पे मिलती है, यहां पर, और इसके करस्पॉन्डिंग यदि आप टेम्परेचर देखेंगे तो ये टी बी हमेशा इससे ज्यादा है, तो दिस इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों का डिफरेंस। ओके, सो दिस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिटी, और यू कैन ऑल्सो राइट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, एम मोलिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और के बी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट और मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, और दिस इज ऑल्सो नोन एज इबिलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। यदि इस वाले फॉर्मूला में आप इस मोलिलिटी का रिलेशन लिखते हैं तो हमें ये मिलेगा, कैलकुलेशन में जनरली यही वाला फॉर्मूला काम में आता है। ओके, तो यदि आपके पास प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट यदि हमें पता है तो डेल्टा टी बी यदि आप इसमें ऐड करते हैं तो ये क्या मिलेगा आपके पास, टी बी दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फिर डायग्राम को देखिए, वेपर प्रेशर है, इधर टेम्परेचर है, पहले प्योर सॉल्वेंट को आपने लिया तो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर कम करेंगे वेपर प्रेशर कम होता जाएगा।
ओके। और इस कंडीशन पे ये वाला जो पॉइंट आपके पास आ रहा है, यहाँ पर लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और फ्रोजन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बराबर हो गया, इसका मतलब ये क्या आ गया आपके पास, उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज ओके। और जब इसके अंदर आपको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो इसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी कम हो जाएगा, और जब इसको आप फ्रीज करते हैं तो ये फ्रीज किस टेम्परेचर पर होगा, ये यहां पर जाके, यानी कि इस सॉल्यूशन का जिसमें कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड है उसका फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा ओके। और ये दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा हमारे पास, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, और डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, वेयर एम इज द मोलिलिटी एंड के एफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट और मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट और क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। यहां पर फिर इस वाले फॉर्मुले में यदि आप मोलिलिटी की वैल्यू रख देते हैं तो हमें ये मिलेगा, इस वाले फॉर्मूले से आप डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं ओके। और यदि आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो टी एफ इज इक्वल टू ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट माइनस डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पाई इज इक्वल टू सी आर टी, वेयर पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, आर इज द गैस कॉन्स्टेंट, टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन एंड सी इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। और C को आप लिख सकते हैं N2 by V, where V is the volume of a solution in liters containing N2 moles of solute, and N2 is W2 divided by M2, where W2 is the mass of solute in gram and M2 is the molar mass of solute in gram per mole। यदि इन दोनों रिलेशनशिप को आप इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू टू आर टी डिवाइड बाई एम टू वी, या M2 that is molar mass of solute is equal to W2RT divided by pi V। Want a factor I, कई तरह से आप इसको define कर सकते हैं, I is equal to normal molar mass divided by abnormal molar mass, I is equal to observed colligative property divided by calculated colligative property, I is equal to total number of moles of particles after association or dissociation divided by number of moles of particles before association or dissociation। यहाँ पर abnormal molar mass is the experimentally determined molar mass and calculated colligative properties are obtained by assuming that the non-volatile solute is neither associated nor dissociated। यदि एसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू हमेशा एक से कम होगी, यदि डिसोसिएशन है आई की वैल्यू एक से ज्यादा होगी, यदि कोई एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं है आई की वैल्यू एक के बराबर होगी। नाउ मॉडिफाइड इक्वेशन फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आफ्टर इंक्लूजन ऑफ वन टॉप फैक्टर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, यहां पर आपके पास ये रिलेटिव लोअरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दिस इज इक्वल टू आई एक्स टू, आई यहां पर वन टॉप फैक्टर, एलिवेशन ऑफ बॉलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी एम, यदि एम की वैल्यू रखते हैं तो ये रिलेशन आ जाएगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम, एम इज द मोलिलिटी, इसको भी यदि आप फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें तो हमारे पास ये आ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पाई इज इक्वल टू आई डब्ल्यू टू आर टी डिवाइड बाई एम टू वी, डिग्री ऑफ एसोसिएशन एल्फा एंड वन टॉप फैक्टर आई, दोनों में रिलेशन क्या है, अल्फा इज इक्वल टू वन माइनस आई डिवाइड बाई वन माइनस वन बाई एन, यहां पर एन क्या होगा, एन यहां पर होगा कि कितने मॉलिक्यूल्स मिल करके एक लार्जर मॉलिक्यूल, यानी कितने मॉलिक्यूल्स मिल करके एसोसिएट हो रहे हैं, जैसे यहां पर बेंजोइक एसिड में दो इसके मॉलिक्यूल मिल करके एक बना रहे हैं तो यहां पर एन की वैल्यू टू हो गई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड वन टॉप फैक्टर, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन डिवाइड बाई एन माइनस वन, यहां पर एन क्या है, यहां पर एन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑब्टेंड आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ वन यूनिट ऑफ सब्सटेंस, जैसे यदि NaCl है हमारे पास तो NaCl का वन यूनिट यदि आप डिसोसिएट करते हैं तो इससे दो यूनिट हमें मिलेगी, दो पार्टिकल्स मिलेंगे Na प्लस एंड Cl माइनस, तो इस वाले केस के अंदर एन की वैल्यू टू हो जाएगी। नाउ चैप्टर थ्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, E cell is equal to E right minus E left। यदि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नोटेशन आप लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में आप एनोड को रिप्रेजेंट करते हैं और राइट हैंड साइड में कैथोड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं E cell is equal to E cathode minus E anode। यदि स्टैंडर्ड कंडीशन है हमारे पास तो दिस इज E स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू E स्टैंडर्ड R माइनस E स्टैंडर्ड L। नेक्स्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड रिएक्शन जो कि रिडक्शन फॉर्म में लिखी हुई है ओके। यहां पर ये नेक्स्ट इक्वेशन इस रिएक्शन के लिए, दिस इज ई इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड माइनस आर टी डिवाइड बाई एन एफ एल एन
दिस इज कंसेंट्रेशन ऑफ एम डिवाइड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ एम एन प्लस। यहाँ पर ये कंसेंट्रेशन ऑफ एम, यहाँ पर एम सॉलिड है तो इसकी कंसेंट्रेशन यूनिटी हो जाएगी, तो यहाँ पर आपने वन लिख दिया। अब यदि इस ln जो कि नेचुरल लॉग है इसको आप 10 के बेसिस में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा। R की वैल्यू रखिए, टेम्परेचर दी 298 केल्विन है और फेराडे की वैल्यू रखिए, यानी कि 1 फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू रखते हैं कूलम के अंदर 96,487। तो हमारे पास इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 0.059। तो दिस इज द नेक्स्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ये आपके पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट कर दिए, जनरल है। इसके लिए ई सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन लॉग कंसेंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड ईच कंसेंट्रेशन टर्म इज रेज्ड टू द पावर इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, यहां पर आप हमेशा नेगेटिव साइन काम में लीजिए और ये जो आप लॉग के बाद जो रेशियो लिखेंगे इसमें हमेशा न्यूमरेटर के अंदर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और डिनोमिनेटर के अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मेंशन करिए। जैसे नेक्स्ट इक्वेशन फॉर डेनियल सेल, ये आपके पास डेनियल सेल की इक्वेशन है। ओके, तो इसके लिए हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन हो गई ई सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस आर टी डिवाइड बाई 2f। एक्चुअली यहां पर n की वैल्यू है 2, दिस इज एल एन। अब देखिए प्रोडक्ट साइड में क्या आ रहा है, जेड एन टू प्लस एन सी यू, लेकिन इसकी कंसेंट्रेशन हो जाएगी यूनिटी। इसी तरह से रिएक्टेंट साइड में जेड एन एंड सी यू टू प्लस, यहाँ पर जेड एन की कंसेंट्रेशन हो जाएगी यूनिटी। दैट्स व्हाई वी विल गेट द कंसेंट्रेशन ऑफ जेड एन टू प्लस इन द न्यूमरेटर एंड कंसेंट्रेशन ऑफ सी यू टू प्लस इन डिनोमिनेटर। अब यदि यहाँ पर आप इस एल एन को 10 के बेसिस में कन्वर्ट करिए, आर की वैल्यू पुट करिए, टेम्परेचर 298 केल्विन एंड 1 फेराडे की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.059। तो ये वाली इक्वेशन आप डेनियल सेल के लिए काम में ले सकते हैं ई सेल निकालने के लिए। नाउ सेल पोटेंशियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिब्स एनर्जी, ये हमारे पास स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, दिस इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई स्टैंडर्ड सेल। यदि स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो दिस इज डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। यहां पर एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एफ फैराडे कॉन्स्टेंट और ये ई सेल। ई स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू 2.303 आर टी डिवाइड बाई एन एफ लोग के सी, ये रिलेशन बता रहा है ई स्टैंडर्ड सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर। यदि इसमें आर की वैल्यू रखते हैं, टेम्परेचर 298 केल्विन और फेराडे 1 फेराडे की वैल्यू रखिए तो हमारे पास आएगा 0.059। तो ई स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइड बाई एन लोग के सी। इसी तरह से दिस स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी, यहाँ पर ये के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि इस नेचुरल लॉग को 10 के बेसिस में कन्वर्ट करते हैं तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। नाउ रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू, दिस इज रो एल बाई ए, यहाँ पर रो रेजिस्टिविटी, एल लेंथ बता रहा है वायर का और ए बता रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, कंडक्टेंस जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज 1/R। और R की वैल्यू दी आप ये रखते हैं तो वी विल गेट G इज इक्वल टू A डिवाइड बाय रो L। और यहां पर ध्यान देखिए 1/ρ, ओके, दिस इज द कंडक्टिविटी कप्पा 1/ρ। ओके, तो इसकी 1/ρ की जगह आपने लिख दिया ये कप्पा A बाई L। और कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल यदि आप करते हैं दैट इज 1/K, दिस इज द रेजिस्टिविटी रो। सो वी कैन ऑल्सो राइट R इज इक्वल टू L डिवाइड बाई कप्पा ए, और वी कैन ऑल्सो राइट एल ए बाई ए, दिस इज जी स्टार। जी स्टार क्या होता है, सेल कॉन्स्टेंट। ओके, तो यदि इसको आप इस वाले फॉर्मूले में रखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा सेल कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू आर कप्पा। सेल कॉन्स्टेंट क्या हो गया, रजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई कंडक्टिविटी। ये लैम्डा है मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन कप्पा बाय सी। लेकिन जनरली मोलर कंडक्टिविटी के लिए ये वाला फॉर्मूला हम काम में लेते हैं। यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी किसमें है, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल के अंदर। ये कंडक्टिविटी सीमन पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई मोलरिटी इन मोल पर लीटर। अब देखिए इसमें यूनिट्स, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, रेजिस्टिविटी जिसको कभी कभी हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं ओम मीटर, लेकिन जनरली हम इसको ओम सेंटीमीटर में भी एक्सप्रेस करते हैं। कंडक्टेंस की यूनिट होती है सीमेंस, एस से रिप्रेजेंट करते हैं या ओम इनवर्स
और कंडक्टिविटी की यूनिट होती है सीमेंस पर मीटर, ये ऐसा यूनिट है, लेकिन जनरली कंडक्टिविटी को हम सीमेंस पर सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी की ऐसा यूनिट हो जाएगी सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। डिबाई हकल ऑनसगर इक्वेशन, ये इक्वेशन है, लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा एम नोट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ कंसेंट्रेशन। इसमें यदि आप इस लेमडा एम और स्क्वायर रूट ऑफ कंसेंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ध्यान रखिए ये ग्राफ, इसमें ये KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये वाली इक्वेशन जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जैसे जैसे कंसेंट्रेशन कम होगी, इधर से जाने पर कंसेंट्रेशन कम हो रही है तो मोलर कंडक्टिविटी की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, ओके। लेकिन अब इसको यदि यहां पर आप एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो हमें इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम इससे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इस इक्वेशन से प्राप्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप डायल्यूट करते हैं इसको तो यहां पर देखिए शार्प इंक्रीज हो रहा मोलर कंडक्टिविटी में और ये वाली लाइन इसके बिल्कुल पैरेलल हो गई, तो हम इसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते, ओके। कोलार्ड्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आइंस, दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिस इज इक्वल टू, अब देखिए कौन सा सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके पास आ रहा है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन, ये आपके पास आ रहा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन, और ये आ रहा है नंबर ऑफ कैटाइन्स, ये आ रहा है नंबर ऑफ एनाइन्स, ओके। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम डिवाइड बाय लैम्डा एम नोट, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसी तरह से डिसोसिएशन कांस्टेंट के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। नाउ नेक्स्ट वन इज फैराडे इज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, यहां पर ये एम क्या है, दिस एम इज द मास डिपोजिटेड एट द इलेक्ट्रोड्स, ओके, और दिस इज द अमाउंट ऑफ गैस लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वी कैन ऑल्सो राइट एम इज इक्वल टू जेड क्यू, वेयर जेड इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एंड क्यू इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलॉम्स, एंड क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, वेयर आई इज द करंट इन एम्पियर एंड टी इज द टाइम इन सेकेंड। So we can also write M is equal to Z into I into T. Okay? बाकी जो चैप्टर्स बच गए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।